अरे वो पूरा ब्लॉक किए तो आप बुलाइए यहाँ आ जा रहे राकेश भाई बाहर आ भी जाओ अरे अलग से ले लेना चलो राकेश भाई बाजू आ जाओ ना पूरा बहुत ही नहीं थोड़ा चल बोल नीचे ना जिस तरह से अभी मम्मी का हुआ है तो है और उससे बड़ा दुख अभी जो राकेश के साथ हो रहा है सोचा भी नहीं था सपने में कि इतना गिर सकता है वो हमने माफ भी किया दो तीन बार माफ भी किया जिस दिन मम्मी का डेथ हुआ था उसके दूसरे दिन जो राखी के घर पे हमें खाना खिलाने जाना था अभी देखा था कि राखी का पूरा मुंह सूजा हुआ है तो रो रही थी कुछ बता रही थी मामा ने मासी ने मामी ने सब लोग बोला था पूछ करके क्या हुआ है तब उसने बताया कि मुझे बहुत बुरी तरह मारा है जिस दिन मम्मी की डेथ हुई उसी दिन रात को मम्मी के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो बोले कि सब कुछ नहीं है और मैं उसने बहुत मारा था राखी को और हमने जब देखा कि राखी से जो दाग है हम तो बहुत गुस्से में थे सारे लोग मामा मासी तो हमने राखी के बगैर बोले हमने राखी को ना तो सोते हुए हमने राखी को रिक्वेस्ट किया तो जा पहले ऊपर में हम ऊपर ले गए ऊपर में उसका पूरा मेडिकल कराया जो शरीर में जितने दाग थे वो पता आप रो पड़ोगे जिस तरह के उसके कांधे दाग है उसके शरीर पर कि मम्मी की पैरवी थी और ये सब होना था जिसके लिए हम लोग चुप बैठे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा राखी और जो फाइनल डिसाइड के लिए क्या होना है क्या नहीं लेकिन कल तेरवी है उसके पहले आज फिर खबर मिली कि मम्मी के जितने दागी ने जो राखी के पास रहते राखी जो दागी ने पैसे भी चोरी हुए हैं ये सारी चीज़ें जब पता चली तो हम स्टेशन में आए और ये सब देखकर मैं खुद हैरान इतना गिर सकता है अभी तो वो बयान तो क्या वो तो सब देना पड़ेगा जो जब पुलिस आ गई ना महाराष्ट्र पुलिस ये बड़े बड़ों की तस्वीर निकाल देते हैं और आखिर तो उनकी अपनी बेटी है उनकी अपनी फैमिली है मैंने बात की मैंने बहुत धमकाया मैंने उनको समझाया जिस दिन हुआ था उस दिन भाई हुआ था अरे चालू में क्यों भगा रहे हो नहीं वो काम कर रहा हूँ।